हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, ये पर्सन आपको याद करेंगे भी या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा गया है, करा जा रहा है, इस चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज को आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में करी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी में करी है, डिवाइन गाइड कीजिए। बॉटम इज डेथ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द चैरियट, लवर्स, एम्प्रेस, जजमेंट एंड डेथ। राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर, ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी में अपने आप को रखकर करी, स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। मेन फीमेल गाइड कीजिए बताइए, डिवाइन कम्युनिटी एम्प्रेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। मैसेज ऑफ कंसर्न जजमेंट को लेकर भी उसके पास अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है, बैड हेल्थ, जेडिकेशंस। तो व्यूअर्स, सबसे पहले नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे आपका 7, 6, 3, 20, 2, 13, 4, 30, 31, 14, 5, 39, 12, 3 and 2। मंथ की अगर बात करी जाए तो जुलाई, फरवरी, दिसंबर, मार्च, जून, मई, अप्रैल, फरवरी एंड मई, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपसे, आपके पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो, मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं कि काफी ज्यादा लीगल इश्यूज में ये पर्सन फंसे हुए हैं, मैट्रिमोनियल केसेस में ये पर्सन फंसे हुए हैं, और कुछ मैट्रिमोनियल केसेस इस पर्सन के आप ही से हैं, यानी कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर बैठे हैं। ठीक है, और
कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर मैट्रिमोनियल केस नहीं है, लेकिन नॉर्मली केसेस यहाँ पर इस इंसान की जिंदगी में चल रहे हैं काफी ज्यादा, जो इन्हें काफी ज्यादा खत्म कर चुकी हैं। मतलब उसकी वजह से इनकी लाइफ काफी स्पॉइल हुई पड़ी है, ऐसी फीलिंग लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। फिर चाहे वो आपके साथ हो, किसी और के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर एक ऐसी फीलिंग है जैसे अब ये थक गए हैं, अब ये खत्म हो गए हैं, अब ये और ज्यादा लड़ने की स्थिति में नहीं है, या इन सब चीजों ने सब कुछ ऑलरेडी पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की इनकी नई सुबह के साथ बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर इनकी जिंदगी में कोई फीमेल पर्सन है जो इनके लिए काफी ज्यादा खास है, जिसे इन्होंने अपना सारथी बना रखा है। सारथी के तौर पर ये पर्सन उसके रथ पर सवार होकर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं। अब ये मेन फीमेल मुझे चांसेस तो इनकी मदर, इनकी सिस्टर या इनकी भाभी, उस तरह की मुझे ज्यादा एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये काफी मैच्योर टाइप की ये लेडी हैं, जिसको इन्होंने ना इनकी मैच्योरिटी के चलते, इनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस लेने के चलते, इन्होंने इन्हें अपना सारथी बनाकर अपने आप से उनको फॉलो कर रखा है। लेकिन अपनी नई सुबह के साथ कहीं ना कहीं इन सब चीजों के होने के बावजूद भी इस इंसान को ना आपके लिए अपने दिल में फीलिंग्स डेवलप होती हुई महसूस हो रही हैं, यानी कि इनके दिल में इस चीज का डर, इस चीज का खौफ सबसे ज्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है कि कम्युनिटी क्या कहेगी, कम्युनिटी क्या सोचेगी, कम्युनिटी क्या बोलेगी। उन सभी चीजों का डर, खौफ इस इंसान के दिल में अपनी नई सुबह के साथ काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, जो ये आज भी अभी भी आपके लिए फील करते हैं, स्पेशली उसको लेकर आज भी अभी भी आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, वो अट्रैक्शन है आपके छोटे छोटे मैसेज को लेकर आज भी कंसर्न है, यानी कि आपके भेजे हुए मैसेजेस को अभी भी बहुत संभाल कर इस पर्सन ने यहाँ पर रख रखा है। तो वो सभी चीजें यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू अपनी नई सुबह के साथ काफी ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स सोचा जा रहा है, और ये सोच इनकी उस लेवल पर जा रही है जिसके चलते ये सोच इनकी तबीयत पर, इनकी हेल्थ पर असर डालना शुरू कर दी है। यानी कि ये पर्सन चांसेस हैं कि बीमार वगैरह हो, हेल्थ इश्यूज ये फेस कर रहे हो, उन सभी चीजों को लेकर भी दिल में इनके यही चीजें हैं कि ये थक गए हैं। अब कुछ भी हो, आर हो या पार हो, लेकिन कम से कम चीजें यहाँ पर एक डायरेक्शन तो पकड़े, एक रास्ता तो पकड़े, या चीजें इनके फेवर में होकर आए। जो इन्हें अपने खिलाफ जाती हुई चीजें दिख रही हैं, वो सभी चीजें इन्हें अपने फेवर में दिखें, उस तरह की इच्छा ये पर्सन लिए हुए अपनी नई सुबह में बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर अपनी नई सुबह के साथ ये पर्सन जो भी बदलाव अब इनकी जिंदगी में आएगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अब इनकी जिंदगी में आएगा, उसे स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तैयार होते हुए पा रहे हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग यहाँ पर कुछ ऐसी बन रही है कि अभी बहुत ज्यादा इन सब चीजों में उलझ कर रह गए हैं, जिसके चलते इन्हें सिर्फ और सिर्फ डर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये डर में जी रहे हैं, डर में रह रहे हैं। कोई बदलाव अगर आ भी रहा है, अब कोई बदलाव आएगा भी, तो ये उसको लेकर इतना चिंतित रहते हैं, जिसके चलते ये बेकार की चीजों में, बेकार के मुद्दों में, बेकार के झमेले में अपने आप को फंसा लेते हैं। तो अपनी नई सुबह इन्होंने कुछ इस वे में करी है कि अब जो फैसला होगा, जो डिवाइन सोचेगी, जो डिवाइन की तरफ से इनके लिए डिसीजन लिया जाएगा, ये उसको रेस्पेक्ट देंगे, उसको मान देंगे, उसको सम्मान देंगे, क्योंकि अब ये उस स्थिति में अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं कि ये और चीजें फेस कर पाएं और चीजों से ये लड़ पाएं। ठीक है, इसी रीजन के चलते थोड़ा सा मुझे ये पर्सन एक ऐसे एटीट्यूड को रखकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ना फीलिंग्स होने के बावजूद भी इंतजार डिवाइन के, यूनिवर्स के उस फैसले का है जो आना बाकी है। एक और चीज मैं यहाँ पर देख पाई हूँ कि इस इंसान को ना ये चीजें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर भी अगर ईमानदार नहीं रहे, तो ये अपने आप को लेकर भी ईमानदार नहीं रहे। मतलब ऑनेस्टी अगर आपसे नहीं निभाई, विश्वासघात आपसे करा, तो अपने आप से भी इन्होंने ये कम नहीं करा। वो चीजें भी यहाँ पर इस इंसान के साहस को, मनोबल को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा रही हैं। मूड स्विंग्स अब इस इंसान को बहुत ज्यादा होने लगे हैं, और अभी भी ये पर्सन काफी ज्यादा अपनी एनर्जीज में फ्लक्चुएशंस देख रहे हैं, वो मुझे स्थिति इनकी बनती हुई व्यूअर्स दिखी है। चलिए टैरो से देखते हैं व्यूअर्स।
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है। मेन फीमेल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द फूल एंड यहाँ पे आपका किंग ऑफ सोर्ड्स है एक्वेरियस एंड आपका जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। देखो मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपने ना इस थर्ड पर्सन को लेकर इनकी जो ये सबसे ज्यादा चहेती हैं या इनके कंट्रोल में ही सही जैसे भी हैं, आपने इनको लेकर काफी अनाप शनाप वर्ड्स बोले हैं, काफी कुछ आपने ऐसी चीजें बोली है जो इनके कानों तक गई हैं या फिर आपने इनके सामने बोली हैं, जिस चीज को लेकर ये पर्सन थोड़ा सा आपसे गुस्सा है, नाराज है और कहीं ना कहीं उसको ये पर्सन डिफेंड करना चाह रहे हैं और इसी रीजन के चलते ये पर्सन इस चीज की वजह से आपसे भी अपनी साइड से बात नहीं कर रहे हैं या अपना गुस्सा आपको ज्यादा दिखा रहे हैं इस वे में कि आपने भला उनको कहा तो कहा कैसे या आपने उनके साथ ऐसा करा तो करा क्यों। इन चीजों पर लेकर ये पर्सन आपके सामने अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करना चाहते हैं या यू कहो तो ये पर्सन आपके सामने एक ऑफर रखना चाह रहे हैं ये चीजें रखकर कि आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके बदले में इन्हें आपसे ये चाहिए, उसके बदले में ये जो इन्हें डिफेंड करते आए हैं डिफेंड कर रहे हैं या जो आपने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं आप उन्हें वापस ले लो, आप उन चीजों से मुकर जाओ, आप उन चीजों को लेट गो कर दो। ये पर्सन कुछ ऐसी इच्छा मन में रख रहे हैं या वो चीजें इनके दिल में मन में सुबह से चल रही हैं। आपके साथ एक नया रिस्क ले लेंगे, एक नई जर्नी शुरू कर लेंगे, लेकिन अपनी साइड से आपके सामने ये टर्म्स और कंडीशंस रखकर। स्पेशली उन लोगों के केस में यहाँ पर है कि जिन लोगों के केस में ये इनकी कोई ब्रदर, इनके कोई मदर, इनकी रिलेशन में है, इनके ब्लड रिलेशन में स्पेशली है, और जिन लोगों के केस में ये ब्लड रिलेशन में नहीं है वहां पर इस इंसान को गुस्सा उन पर ही है क्योंकि वो इन्हें अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने नहीं दे रहे या उन्होंने हमेशा इन्हें अपनी जिंदगी में कुछ एडवेंचर करने से रिस्क लेने से रोका है और ये चाहते हैं अब रिस्क लेना, ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, अपने हिसाब से चीजों को डील करना, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाना। तो यहाँ पर उनसे इनको गुस्सा है, उनसे इन्हें फ्रस्ट्रेशन आज दिन भर रही है और उनसे इसी फ्रस्ट्रेशन इसी गुस्से के चलते ये पर्सन अपने आप को काफी ज्यादा डिफेंड करते हुए भी दिख रहे हैं कि इन्होंने अपने आप से अपने उस सारथी से जैसे मुंह मोड़ रखा है, अपने उस सारथी को छोड़कर या अकेले अपने आप को घोड़े पर बिठाकर जैसे चलना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी की रेस ये पर्सन खुद से दौड़ना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं। तो वो चीजें इनके दिल में मन में आज दिन भर चली हैं। तो दो सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपको अपने हिसाब से लेकर चलना है क्योंकि कलेक्टिव्स में रीडिंग होती है तो हर चीज हर इंसान से मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कम्युनिटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए क्या बनी है क्या बन रही है। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, कम्युनिटी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। थ्री ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि और एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनुराशि। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके खिलाफ जाने का, अपने प्यार के रिश्ते के खिलाफ जाने का जो डिसीजन लिया है वो किसी सोसाइटी की वजह से लिया है, या तो आप दोनों के बीच में कास्ट का गैप था, एज का गैप था, एक का मैरिड एक का अनमैरिड होना इस तरह का गैप था, या फिर थोड़ा सा आप लोगों के बीच में चीजें इस तरह से हो रही थी जो सोसाइटी में किसी भी सोसाइटी में अलाउड नहीं है और उसी रीजन के चलते इस इंसान ने आपसे मोहब्बत इश्क होने के बावजूद भी आपके खिलाफ जाकर फैसला यहाँ पर लिया है, जिसे ये पर्सन आज दिन भर काफी ज्यादा अपनी
सोच में रखने वाले हैं, चलाने वाले हैं, क्यों इन्होंने उस वक्त पे ये फैसला लिया और ये सोच अपने मन में दिल में रखने के पीछे का कारण है क्योंकि ये पर्सन फिर से आपके साथ अपनी जिंदगी में चलने की इच्छा अपने दिल में पा रहे हैं। इनके दिल में फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन करने की, इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की इच्छा यहाँ पर डेवलप हो रही है और इस इच्छा का गला घोटने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं उस वजह को अपने दिमाग में काफी ज्यादा रिपीटिवली पैटर्न में चला रहे हैं, चलाएंगे व्यूअर्स, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को यह एहसास दिलाएगी कि आपसे दूर जाने का, पीछे ना मुड़ने का फैसला इन्होंने अंत समय पर आकर क्यों लिया। तो ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जी। फिर चाहे ये आपसे मैरिड हो, आपसे मैरिज करते करते इन्होंने छोड़ दिया हो, आपको कमिटमेंट देते देते वहीं पर रोक दिया हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि हालांकि वही कम्युनिटी, अगर आप लोगों के बीच में ये डिफरेंसेस नहीं रहे हैं, कुछ भी आप लोगों के बीच में ऐसा कोई इशू नहीं था कास्ट का, ट्रेडिशन का, तो यही कम्युनिटी अब इस इंसान को इस तरह से प्रेशराइज कर रही है कि इन्होंने आपके खिलाफ जाने का जो फैसला लिया वो गलत लिया, इन्हें आपके साथ इस जर्नी को पूरा करना चाहिए था। स्पेशली उन लोगों में जो लोग यहाँ पे कपल हैं, हस्बैंड या वाइफ है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के बीच में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था, कास्ट वगैरह का कोई इशू नहीं था, तो उन लोगों के केस में यहाँ पर इस इंसान को उस कम्युनिटी का डर काफी ज्यादा रेस्टलेस डिस्टर्ब कर रहा है, जो कम्युनिटी इस इंसान को यहाँ पर इस रिश्ते में फिर से हारमोनी करने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए, अपने घर परिवार के हक में फैसला लेने के लिए बोल रही है। तो फिर से कहूंगी हर चीज हर किसी के लिए नहीं है, आपको ये चीजें खुद से देखनी होंगी व्यूअर्स कि आपके केस में क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। फिर उसके अलग यहाँ पर कुछ भी हो, भले इन्होंने उस वक्त में आपसे दूर जाने का डिसीजन ले लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार, फीलिंग, रिश्ता इनके दिल में, इनके मन में आज भी जिंदा है। वो चीजें यहाँ पर ये पर्सन इस पल में भी काफी ज्यादा महसूस कर रहे हैं और अपनी सुबह से लेकर दिन भर ये पर्सन इस चीज को काफी ज्यादा अपने मन में कैलकुलेट भी करने वाले हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या है और क्या बनेंगे, डिवाइन गाइड कीजिए। एट ऑफ हैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी आपने इन्हें भेजे थे एक वक्त पे, जिसे शायद इन्होंने ऐसे ही एक्सप्रेस करा था कि इन्होंने पढ़ा नहीं, इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है उन मैसेजेस को पढ़ने में, तो ये पर्सन अपनी नई सुबह में उन मैसेजेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और उसी रीज़न के चलते ये उन मैसेजेस को काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उन मैसेजेस में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस इंसान को अगेन आपसे मोहब्बत करवा रही हैं, आपके लिए अट्रैक्ट कर रही हैं और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको आज दिन में कई बार जैसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करने की स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आज दिन में ये पर्सन आपको काफ़ी बार सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे, देखेंगे, ठीक है, आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये पर्सन आज आपको दिन में कई बार सोशल मीडिया पर व्यूअर्स ढूंढने वाले हैं। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, इवन आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन आपके बारे में जानकारी हासिल करने में कामयाब भी होंगे और यही कामयाबी इस इंसान को अगेन आपसे मोहब्बत करवाएगी, यानी कि ये पर्सन जितना ज़्यादा आपके बारे में जानकारी हासिल करेंगे ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इनका अट्रैक्शन, इनकी फीलिंग्स, इनकी इमोशंस आपसे जैसे मानो फिर से यहाँ पर जुड़ जाएंगे, वो मुझे स्थिति इनकी व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ये चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर फिर से मोहब्बत डेवलप करेंगी, तो ये चीज़ें यहाँ पर इनके साथ आज दिन में होंगी, ठीक है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में जिनमें इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो ये पर्सन अपनी क्यूरियोसिटी के चलते, अपने अट्रैक्शन के चलते आपको ब्लॉक से अनब्लॉक भी कर दें और भले बाद में आपको ब्लॉक कर दें, लेकिन आज मुझे इनके ब्लॉक से अनब्लॉक करने की एनर्जी दिख रही है, भले चंद पल के लिए ही ऐसा करें।
बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइडलाइन। इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए क्या हैं और क्या बनेंगी। स्प्रेड गाइडलाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है टेन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि दिख रहा है। देखो जो भी बीते दिनों में इन्होंने करा, जो भी बीते दिनों से ये पर्सन करते आए हैं, यानी कि ये जो भी प्लानिंग करी, जो भी इन्होंने इस रिश्ते को बर्बाद करा, जो भी इस रिश्ते में इन्होंने बिट्रे करा, जो भी इस रिश्ते में आपको हरा कर इन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया, या इन्होंने ये सोच बांधी कि अब इनकी जिंदगी में ऐश आराम है, खुशियाँ हैं, उन चीज़ों ने इन्हें उतनी ही तकलीफ दी, उन चीज़ों से इन्हें उतना ही यहाँ पर पेन मिला, अफसोस मिला, दर्द मिला, डिप्रेशन मिला, डिसलॉयलिटी का टैग मिला। तो ये सभी चीजें इस इंसान को आज दिन भर काफी ज्यादा अपसेट करेंगी, यानी कि ये अपनी बैड हेल्थ, जो मैंने बताया कि आज इनके दिन में बैड हेल्थ होने के चांसेस बन रहे हैं, तो ये पर्सन इस चीज को इस तरह से रिलेट करने वाले हैं। इन सभी के पीछे का कारण है इनका वो बैड कर्मा, वो बुरा कर्मा जो इन्हें इस तरह से फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन पहले भी बहुत ज्यादा कर्मा की बात करा करते थे, और अब वो कर्मा इन्हें जब अपनी जिंदगी में काफी चीजों को फिनिश करता हुआ, खत्म होता करता हुआ दिख रहा है, तो इन्हें चीजें काफी ज्यादा अपसेट कर रही हैं। तो दिन भर ये पर्सन इन चीजों को इस तरह से रिलेट करेंगे। और यहाँ पर भी आप देखिएगा, जो आपके साथ इनका रिश्ता था, परिवार था, जो खत्म होने की कगार पर है, पहुंच गया है या हो गया है, वो चीजें इन्हें एंजाइटी, डर, डिप्रेशन इस तरह की सोच में, एनर्जी में लेकर जा रही है। जैसे मानो पूरी तरह से अपने आप को होपलेस और हेल्पलेस पा रहे हैं, करना सब चीजें सही जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ अब इनके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, फिसल गया है। वो फीलिंग आज इनकी सुबह से लेकर अब तक बन रही है। व्यूअर्स, मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छाएं इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीजों के बदले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक। स्प्रेड गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्हाई डिड यू लीव, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। तो अब ये पर्सन ना उसकी बातों में, उस थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। ये चीजें इन्हें आप पर भरोसा नहीं करने दे रही हैं, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि आप इनसे दूर जाओ, ये चीजें ये नहीं चाहते थे, लेकिन ये चीजें इसीलिए हुई क्योंकि ये चीजें ना चाहकर भी इन्होंने आपको काफी अच्छा बुरा फिर भी कह डाला। I am still reminded of my traumatic memory, और इवन इन्हें खुद को वो पल, वो मोमेंट काफी ज्यादा दर्द दे रहे हैं, जिन मोमेंट, जिन पलों में इस इंसान ने आपके साथ काफी गलत करा है। I wanted to tell you so much, बहुत कुछ कहने की इच्छा अब इनकी है, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, और उसमें सबसे ज्यादा कहने की इच्छा है कि आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। आई विल हैप्पी इफ यू चूज मी, खुश हो जाएंगे, दिल इनका प्रसन्न हो जाएगा अगर आप अभी भी इनको चुन लेते हैं, तो आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपसे कान्हा जी क्या कहना चाह रहे हैं। कान्हा जी की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। मेरे कान्हा जी की तरफ से व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, चैरिटी, ask for God grace and help and Gita the absolute truth। देखो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपनी जिंदगी में अब कोई भी ऐसा काम मत करो जो आपकी जिंदगी में फिर से नेगेटिविटी या जहर घोल दे। ऑलरेडी आप, कई बार होता है हमारी जिंदगी में जो हमें मिलता है ना, हमारे ही करे हुए का परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपसे यही बोला जा रहा है कि ऑलरेडी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी, इतना जहर घुल गया है, उसके बाद अब आप अपनी तरफ से तो एटलीस्ट थम जाइएगा, रुक जाइएगा, अपनी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी मत बोलिएगा, बजाय कुछ ऐसा करने के हर वो काम कीजिएगा जो आपके पुराने प्रारब्ध के भी जो कर्माज है उसे भी वो
क्लींस करें, उनसे भी वो आपको मुक्त करें। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको चैरिटी करनी है। चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी धन दौलत यहाँ पर लुटा दे, खत्म कर दे। चैरिटी का मतलब है आप किसी को अगर एक बिस्किट, पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी देते हैं तो वो भी आपके चैरिटी में ही काउंट करा जाएगा। उसके अलग आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि भगवान आपकी मदद करे, भगवान आकर आपकी मदद करे, सहायता करे, आपको इस परेशानी से निकाले, तो पहले आपको अपनी भी जिंदगी में वो एटीट्यूड लेकर आना है। देखो हम सब जो है ना वो भगवान के माध्यम है, और हम लोग अगर किसी की मदद करते हैं ना तो हम उसकी नजरों में भगवान का वो दूत बन जाते हैं, भगवान का वो फरिश्ता बन जाते हैं जो उसकी जिंदगी में मदद करने के लिए आता है या आती है। ऑब्वियसली भगवान साक्षात तो धरती पर आकर आपकी मदद नहीं करेंगे, किसी ना किसी रूप में आकर वो मदद करेंगे। तो वो चीजें आपकी जिंदगी में तभी तो होंगी जब आप भी किसी की जिंदगी में वो प्यार, वो खुशियां, वो पॉजिटिविटी, वो रंग भरोगे जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। तो ये सब चीजें करने का अगर आप अपने आप से जज्बा रखते हो, ये चीजें, ये सच अगर आप खुद से स्वीकारते हो, तो ये सच आपके सामने भी साक्षात जरूर से आएगा। तो बेसिकली व्यूअर्स आपसे यही बोला जा रहा है इस रीडिंग में कि जैसे आप भगवान की मदद चाहते हो, वैसे ही आपको दूसरों की दुनिया में, दूसरों की जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाना होगा। इस सच को स्वीकारो, इस सच को, इस ड्यूटी को परफॉर्म करो, और फिर देखो आपकी जिंदगी में कितना अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कितना खूबसूरत बदलाव आपकी जिंदगी में आता है, इस चीज को आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे। तो ये आपसे यूनिवर्स, डिवाइन, कान्हा जी की तरफ से एज अ गाइडेंस बोला गया है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, मैं लेती हूं आप सभी लोगों से विदा, मिलती हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।